माधव स्वरूप बाबा के विषय में व्याख्या करते समय अब हम सत्यनारायण इस नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उर्वाकोंडा, कमलापुर, पुटपर्ती आदि गांवों के भक्तों के समान हम भी बाल साईं या सत्य साईं बाबा कहकर ही संबोधन करेंगे। पुटपर्ती वापस आने पर 4-5 वर्ष तक बाबा ने अपना श्री साईं बाबा यही नाम धारण किया। उस समय के भक्तों के तैयार कराए हुए रबर स्टैंप पर भी यही नाम पाया जाता है, किंतु क्रमशः इस अवतार के विषय में प्रस्तावना करते समय बाबा के दिव्य संकल्प अनुसार सत्यनारायण इस नाम के सत्य इस शब्द को जोड़कर सत्य साईं बाबा इस प्रकार भक्तों ने कहना शुरू किया। उस समय से बाबा के सानिध्य में केवल गुरुवार को नहीं वरन प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगे। सप्ताह का केवल एक ही दिन भजन के लिए हो तो भला भक्तों को तृप्ति कैसे हो सकती थी। केवल प्रातः काल के समय प्रारंभ की हुई भजन की प्रथा प्रातः एवं संध्या दोनों काल में परिवर्तित हो गई। वेंकप्पा राजू के घर के समक्ष ही कर्णम के घर में बाईं ओर की सड़क के दाईं ओर के मोड़ पर आज भी उपस्थित 8 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा एक छोटा सा कमरा ही प्रथम काल का भजन मंदिर था। इन्हें गिने 10-20 लोगों से ही भर जाने वाला वह छोटा सा कमरा साईं राम की आराधना करने योग्य किष्किंध भला कैसे होता। थोड़े ही दिनों में उस कमरे के सामने का रास्ता भी भक्तों की भीड़ के लिए कम पड़ने लगा। गांव से पंक्ति में आई हुई बैलगाड़ियों को ठहराने की जगह भी पर्याप्त नहीं थी। कर्णम सुबम्मा ने अपने घर के सामने की सड़क पर छत ढलवाई। बेंगलोर के एक भक्त ने एक डेरा डलवाया और उसे अपना निवास स्थान बना लिया। जन समूह प्रतिदिन बढ़ता ही गया। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च के कथनानुसार इन चारों प्रकार के लोग भी पुटपर्ती आने लगे। उस 14 वर्ष के बाल गोपाल के समक्ष खड़े हो उनसे अपने कष्ट नष्ट की तथा रोग आदि की निवृत्ति की युक्तियां पाकर एवं साधना मार्ग के संशय के लिए निवारण पाकर संतुष्ट होने लगे। सुबम्मा ही इन सब के रहन सहन की व्यवस्था करती थीं। वह कभी कभी अन्नपान ग्रहण किए बिना ही बिना रुके परिश्रम करती। पूजा भजन में आए लोगों के भेंट किए हुए नारियल फलादि का उपयोग कर चटनी बनाती। बाबा कहते हैं इस कारण से पीसने के पत्थर तथा चक्की को एक निमिष मात्र का भी विश्राम नहीं मिलता था। कई बार भोजन के लिए पत्तल का प्रबंध करते समय ही 10-12 बैलगाड़ियों की भीड़ जमा हो जाती। क्षुधा पीड़ित उन प्रवासियों को अन्न प्रदान किए बिना कैसे चले जाने दिया जा सकता था। थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर विश्राम कर लीजिए, इस प्रकार कहने को भी सुबम्मा का दयालु हृदय नहीं मानता। ऐसे सन्निवेश में सुबम्मा सीधी बाबा के पास जाकर अपना कष्ट बताते। तब बाबा वहां से उठकर रसोई में प्रवेश करते और वहां 2 नारियल लेकर एक से दूसरे पर आघात करते और दोनों फलों के 2-2 टुकड़े हो जाते। उन नारियलों का पानी लेकर बनाए हुए चावल दाल साग चटनी आदि पर प्रक्षालन करते। तत्पश्चात यूं आज्ञा देते, हां ले जाकर उन सबको भरपेट खाना परोस दो। इस प्रकार उनका संकल्प ही उन सब पदार्थों को अक्षय रूप में परिवर्तित कर देता। वह संध्या समय तक आए हुए प्रत्येक भक्त को वो भोजन बंटता रहता और भोजन सभी को भरपेट मिलता। ऐसे प्रसंगों को देखे हुए लोग आज भी विद्यमान हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति से सुबम्मा द्वारा बाल साई के लालन पालन करने पर भी बाबा को उस घर का ही क्यों, अन्य घरों का भी गृहस्थ वातावरण रुचिकर नहीं लगा। लोगों की दृष्टि बचाकर वे पुट्टपर्ती की आसपास की पहाड़ियों की ओर चले जाते। दिन भर और कभी कभी रात को भी पूर्ण एकांत में वहीं कहीं बैठे रहते।
किसी भी पदार्थ की न्यूनता का अनुभव न करने वाले बाबा को सुबम्मा तथा ईश्वरम्मा भोजन का थाल ले घबराती हुई ढूंढती फिरती। नदी किनारे किसी रेत के टीले पर दिगंध का रम्य दृश्य दिखलाने वाले किसी उन्नत शिखर पर अथवा पहाड़ी पर किसी गुफा अथवा झाड़ी में उस बालक का पता लगाकर प्रेम आदर से अन्न ग्रहण करवाकर हाथ जोड़ पैर पड़ के वे उन्हें गांव में वापस ले आती। ऐसे एक दो स्थलों को आज भी कुछ लोग पुटपर्ती आए हुए भक्तों को दिखाकर ये बताते हैं कि ये बाबा का तपश्चर्या का स्थान है, इधर ही उन्होंने योगाभ्यास भी किया था, इसी चट्टान पर वो ध्यान मग्न हो बैठते थे। उनकी धारणा अनुसार सत्य साईं बाबा अन्यों के समान एक योगी तपस्वी तथा अपने देश के सैकड़ों महात्माओं के समान एक महात्मा है और हजारों आश्रमों के समान प्रशांति निलयम भी एक आश्रम है। ये धारणा प्रचलित होते हुए भी असत्य है। आज तक बाबा ने जप नहीं किया, लोग उन्हीं के नाम का जप करते हैं। उन्होंने कभी पूजा नहीं की, जनता उनकी ही पूजा करती है। उनके लिए तप नहीं है, वे ही तप फल हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् का उद्घोष करने वाले भगवान बाबा को कौन सा योग आवश्यक है। उन दिनों बाबा बैलगाड़ी में ही धर्मावरम, अनंतपुर, उरवाकोंडा आदि सब स्थानों पर भक्तों का आह्वान स्वीकार कर पधारते थे। इन दिनों की मोटर गाड़ियों की पंक्ति के समान ही उन दिनों की 10-12 बैलगाड़ियां आजकल के समान ही उन दिनों का विनोद, आध्यात्मिक शिक्षण, महात्म्य पूर्ण चर्चा, तत्वबोधन, मार्ग के मध्य में भोजन, उपहार, भजन संकीर्तन, यही सब कार्यक्रम चलता। विनोद, इस शब्द का उच्चारण करते ही बैलगाड़ियों की इस यात्रा में बाबा द्वारा किए गए एक विनोद का वर्णन किए बिना नहीं रहा जा सकता। बार बार एकांत की अपेक्षा कर पहाड़ी पर जाने वाले बाबा वास्तव में अति विनोद प्रिय हैं। एक बार 4 बैलगाड़ियों में कई लोगों को साथ लेकर बाबा के भक्त धर्मावरम की राह से बाबा को अपने गांव ले जा रहे थे। चांदनी रात थी, बाबा कुछ लड़कों के साथ पैदल ही गाड़ियों के पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक वे एक ओर हट गए और एक 16-17 वर्ष की कन्या के रूप में परिवर्तित हो पहली गाड़ी के समक्ष खड़े दिखाई दिए। उस गाड़ी में बैठे लोगों को उस बालिका ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई और बोली, मेरे पति को तीव्र ज्वर है, वह धर्मावरम अस्पताल में है। गांव से समाचार आया है, पैदल ही वहां पहुंचने की मुझमें शक्ति नहीं है, क्या आप मुझे गाड़ी में बैठाने की थोड़ी सुविधा कर सकते हैं? आओ बहन, बैठो। इस प्रकार सबकी सम्मति मिली, बालिका बैलगाड़ी में बैठ गई। अपने संकट का वर्णन कर उसने कई लोगों को रुलाया। इतने में गाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी, बाबा का कहीं पता नहीं। बच्चे बूढ़े सब उद्विग्न हो बाबा बाबा पुकारने लगे, कई लोग रोने लगे। उरवाकोंडा से आए भक्तों ने बाबा के साथ पैदल चलते लड़कों को बुरा भला कहा। सब लोग गाड़ियों से उतर चिंतित हो इधर उधर ढूंढने लगे। 15-20 मिनट तक उनके व्याकुल छटपटाने के बाद अचानक बाबा दिखाई दिए और देखो वो हैं बाबा, उस चट्टान पर, किसी ने आवाज दी। बाबा प्रत्यक्ष सामने थे। सब आनंद विभोर हो हंसते हुए अपने रोने धोने की इस मूर्खता पर स्वयं लज्जित हुए। गाड़ियों में सवार हो यात्रा पुनः आरंभ हुई, किंतु वो कन्या कहाँ गई? धर्मावरम में पीड़ित अपने पति से रात में अकेले ही प्रस्थान कर मिलने की उत्सुकता दिखाने वाली वो कन्या कहाँ गई? वह भी औरों के समान बैलगाड़ी से उतरी थी, किंतु उसके पश्चात बेचारी, जितने समय तक ये लोग बाबा की खोज करें, तब मैं भी यहीं रुकी रहूं तो
कहीं इस अवधि में ही मेरे पति किसी दुर्घटना का शिकार न बन जाएं। इस चिंता से व्याकुल हो वो पैदल ही आगे चली गई होगी। ऐसा ही लगता है कह दो तीन बालक उसी राह पर दो तीन मील तक दौड़ते हुए गए, किंतु वो बालिका अदृश्य। सड़क के दाएं बाएं किसी कुएं अथवा तालाब में कूद अपने दुखी जीवन से थक कर आत्महत्या न कर ली हो। इस भय से इधर उधर ढूंढना शुरू किया, किंतु आसपास में कोई कुआं या कोई तालाब था ही नहीं। तब एक भक्त को बुद्धि आई कि हम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। बाबा से यदि पूछते हैं कि वो कहां गई, क्या हुआ, तो वे ही हमारे संदेहों का निवारण कर देते। अब भी बाबा से पूछने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बाबा की गाड़ी के पास जा पूछने पर वे जोरों से हंस पड़े और बोले, इतना भी नहीं समझे? मैंने ही वह वेश धारण कर तुम्हारे दयालु स्वभाव की परीक्षा ली थी। जय साईं राम।